तो हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का हमारे इस चैनल देवप्रीत पे स्वागत है। पिछले वीडियो की तरह इस बार भी मैं वही मतलब कि क्वेश्चन को लेके आया हूँ और उसी क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा और आपका जो आंसर भी आएगा वो भी सेम आएगा, उसमें कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको किसी एक ही प्रोसेस से बनाना है, चाहे आप इस प्रोसेस से बना लो, चाहे जो मैंने पिछले लेक्चर में जो वीडियो बनाया था रिग्रेशन इक्वेशन के रिलेटेड, चाहे उस मेथड से बना लो। तो चलिए हम लोग न्यू मेथड सीखते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात, प्लीज़ दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप यदि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, देखते हैं कि नहीं मेरा सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, व्यू बढ़ रहा है, तो वीडियो भी बनाने का मन करता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक क्वेश्चन मैंने लिया, वही क्वेश्चन पिछले जो लेक्चर में लिया था। उसके बाद क्या किया, एक टेबल बनाया। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई, क्योंकि इन सभी टर्मों का यूज हमारा अभी इक्वेशन में होगा। तो चलिए हम लोग जो एक्स का वैल्यू है हम लोग यहाँ पे नीचे में लिख लेते हैं। कितना दिया है, 1 3 5 7 9 4 6 ये दिया है। उसी तरह से वाई का वैल्यू हमको दिया है 2 4 3 7 5 6 1। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दो सिंपली, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81 एंड 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, सही आएगा। और फिर वाई स्क्वायर तो क्या करेंगे, 4 16 9 क्या हो जाएगा, 49 25 36 और 1। अब फिर क्या करेंगे, x इंटू वाई, तो x इंटू वाई कर लो यहाँ पे, 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 4 12, 5 इंटू 3 क्या 15, इसका क्या हो जाएगा, 49 45 24 एंड 6, यही आएगा। तो देखिए अब हम लोगों को क्या करना है, सिंपली हम लोग समेशन ऑफ x निकालते हैं, जैसे पिछला हम लोग वीडियो में निकाले थे। समेशन ऑफ एक्स में क्या करते हैं, समेशन का मतलब होता है जोड़। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सभी को जब हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो जब हम इन सभी को ऐड करेंगे, जैसे कि 4 5 मतलब कितना हो जाएगा, 4 5 9 9 7 16 16 और 9 25 25 और 4 29 29 और 6, कितना हो गया हमारे पास, 35। तो 35 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और एक चीज़ मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, वो क्या निकालता हूँ, एक्स का मीन। एक्स का मीन हम लोग क्या फॉर्मूला था कि जिसको हम लोग प्रायिकता बोलते हैं, तो एक्स का मीन हम लोग कैसे निकालते हैं, एक्स मीन इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स 35 डिवाइड बाय नंबर ऑफ, कितना नंबर है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म है, तो कितना आ जाएगा, 7 5 35, मेरा एक्स मीन का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे समेशन ऑफ वाई निकालेंगे। तो जब इन सभी को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा वैल्यू, 28। ठीक है, और जब y मीन निकालेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 28 डिवाइड बाय 7। तो जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, अब हम लोग देखो यहाँ पे वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर, तो इसका भी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, आप जोड़ सकते हो यहाँ पे कैलकुलेटर से। तो मैं इसको जब ऐड करूँगा तो उसका वैल्यू आएगा 217। ठीक है, उसी तरह से जब समेशन ऑफ वाई स्क्वायर करूंगा, इन सभी चीज़ों को मैं जब जोड़ूंगा तो हमारा वैल्यू आएगा कितना आएगा, 140। एंड समेशन ऑफ एक्स वाई है यहाँ पे, तो जब इन सभी चीज़ों को जोड़ूंगा तो हमारा क्या आएगा वैल्यू, 153। तो देखिए हमारा यहाँ तक आ चुका है। ठीक है, तो अब जो है मेन है फॉर्मूला। ठीक है, तो अब जैसे कि पिछला लेक्चर में हम लोग फॉर्मूला निकाले थे बी एक्स वाई का, वो क्या निकाले थे, समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन समेशन वाई स्क्वायर, ऐसे निकाले थे, लेकिन हम लोग इसमें अलग निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ क्या निकालेंगे, एक्स ऑन वाई निकालेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास है क्या है, एक्स माइनस एक्स मीन, ठीक है, इक्वल टू बी एक्स वाई ब्रैकेट वाई माइनस वाई मीन, ये फॉर्मूला है। तो हम लोग पिछले लेक्चर में बी एक्स वाई का दूसरा फॉर्मूला लेते थे, लेकिन हम लोग इस टेबल में देखिए हम लोग सिंपली लिए हैं एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई। तो जब हम लोग इस तरह का टेबल बनाते हैं तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला क्या लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि बी एक्स वाई का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है एन इंटू
समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स, ठीक है, इनटू समेशन ऑफ वाई, ओके, डिवाइड बाय एन इनटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, समेशन वाई का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे हम लोग अपना वैल्यू पुट करेंगे। और यहाँ पे देखिए जो हमारा एन है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 सेवन है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, एन के जगह हम लोग सेवन देंगे इनटू समेशन ऑफ एक्स वाई। आप यहाँ पे देख सकते हैं समेशन ऑफ एक्स वाई कितना है, 153। तो मैं यहाँ पे वैल्यू 153 दे देता हूँ, ठीक है। फिर माइनस समेशन ऑफ एक्स, तो समेशन ऑफ एक्स का वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हो कितना है हमारे पास, 35। तो यहाँ पे मैं दूंगा 35, ठीक है, इनटू समेशन ऑफ वाई देख सकते हैं 28। तो मैं यहाँ पे 28 ले लेता हूँ, ठीक है, डिवाइड बाय, फिर यहाँ पे एन का वैल्यू 7 इंटू समेशन वाई स्क्वायर। तो समेशन वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 140, सॉरी कितना है, समेशन वाई स्क्वायर ना, तो एक मिनट, सही है, क्या है हमारा वैल्यू, समेशन वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना, 140। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 140 लेंगे, फिर माइनस, माइनस है तो माइनस, समेशन वाई, समेशन वाई का वैल्यू कितना है, 28 है ना, 28 का होल स्क्वायर। तो देखिए जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना, तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 1073, ठीक है। माइनस जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 980, डिवाइड बाय, जब इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 980 माइनस 784। तो हमारा वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे, 91 डिवाइड बाय 196 इक्वल टू, जब इसको हम लोग ये करेंगे, क्या कहते हैं, सॉल्व करेंगे, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.46 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि जो ये फॉर्मूला हमारा है, इस फॉर्मूला में हम इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे x माइनस x मीन है, तो x का वैल्यू हमको पता नहीं है, माइनस x मीन का वैल्यू आपको पता होगा, यहाँ पे आपने निकाला है, देखिए x मीन का वैल्यू कितना है, 5। तो आप यहाँ से इसको 5 दे सकते हो, ठीक है, 5 इक्वल टू बी एक्स वाई का वैल्यू अभी निकला हमारे पास 0.46 इतना निकला है। फिर उसके बाद y माइनस y मीन का वैल्यू हमको पता है 4 है, देख सकते हैं, तो y मीन का वैल्यू 4, तो देखिए यहाँ मैं 4 लिख लेता हूँ। उसके बाद अब इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए, x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 0.46 इंटू वाई क्या हो जाएगा, 0.46, फिर माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0.46 इंटू जब हम लोग 4 करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, वो आ जाएगा आई थिंक 1.84, ठीक है, फिर प्लस 5, ये माइनस इधर है उस साइड जाएगा प्लस 5। तो यहाँ से आप सिंपली डायरेक्ट आप लिख सकते हो 0.46, सॉरी यहाँ पे y होगा y, उसके बाद जब इसमें इसको हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा कितना, प्लस 3.16 एक्स का वैल्यू। आप पिछले लेक्चर में जाकर के यहाँ से एक्स का वैल्यू आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो वैल्यू है सेम है उस फॉर्मूला से भी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन निकालेंगे, क्या वाई ऑन एक्स पे निकालेंगे। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं रिग्रेशन, आर ई जी आर ए टी आई ओ एन, रिग्रेशन हम लोग क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स निकालेंगे। पहले हम लोग क्या निकाले थे, एक्स ऑन वाई निकाले थे, अभी हम लोग वाई ऑन एक्स निकालेंगे। तो देखिए अब क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, एक मिनट में कैमरा को थोड़ा सेट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला क्या है, कि सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, फॉर्मूला को यहाँ पे लिखते हैं। तो फॉर्मूला होगा हमारे पास y माइनस वाई मीन, ठीक है, इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स मीन, यही होगा। उसके बाद फिर हम लोग बी वाई एक्स का फॉर्मूला हम लोग यहाँ से फॉर्मूला से हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। तो फिर बी वाई एक्स का फॉर्मूला में थोड़ा सा सिर्फ चेंज होता है, ठीक है, ऊपर वाला जो वैल्यू होता है वो सेम होता है, सिर्फ नीचे वाला वैल्यू वाई की जगह हम लोग का क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है। तो चलिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, एन इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई, ठीक है, माइनस समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई, ओके, डिवाइड बाय, यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगा, एन इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स का
होल स्क्वायर, यही ठीक है। ओनली हमारा जब हम लोग क्या निकालते हैं, बी एक्स वाई निकालते हैं, तो सिर्फ ओनली यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाता है, और जब बी वाई एक्स निकालते हैं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता है। तो चलिए इसका वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। तो देखिए एन का वैल्यू हम लोग को पता है कि 7 है, इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई का भी वैल्यू हमारा हमको पता है कि 153, ठीक है, माइनस 35 समेशन ऑफ एक्स का वैल्यू एंड समेशन ऑफ वाई का वैल्यू 28, ठीक है, डिवाइड बाय एन का वैल्यू 7 इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमारा कितना 217, यही होगा आई थिंक। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे समेशन, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे देख सकते हो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना 217 है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं 217 लिख लिया, फिर माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, तो समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, यहाँ से आप देख सकते हैं समेशन ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है 35, तो 35 का क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 35 का स्क्वायर। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा 1071 माइनस 980 डिवाइड बाय 1519 माइनस 1225, ठीक है, इतना आएगा। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 91 डिवाइड बाय 294, जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.309, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.31, तो इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसका बी वाई एक्स का वैल्यू हमारा निकल चुका है यहाँ पे 0.31, तो मैं पूरा वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। तो वाई, यहाँ पे मैं वाई लिख लेता हूँ, माइनस वाई मीन का वैल्यू हमारा 4 है, ठीक है, कि आपको मैं दिखा देता हूँ फिर से, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाएगा वाई मीन का वैल्यू आपने कहाँ से लिया। देखिए वाई मीन का वैल्यू कितना है हमारा 4, ठीक है, तो चलिए वाई मीन का वैल्यू मैंने 4 ले लिया, डिवाइड बाय बी वाई एक्स का वैल्यू कितना है 0.31, फिर एक्स माइनस एक्स मीन, एक्स मीन का वैल्यू कितना है 5। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.31 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 0.31x हो जाएगा, फिर माइनस इसको जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू 1.55 आ जाएगा, फिर ये माइनस 4 है उधर जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर y इक्वल टू हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा 0.31x, जब इसको इसमें से हम लोग घटाएंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा प्लस 2.45 आंसर। तो दोस्तों आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि और आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ आप यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।